झारखंड के धनबाद में हुए पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में पकड़े गए उत्तर प्रदेश के शूटर अमन सिंह के गिरोह के 59 गुर्गे धनबाद और आसपास के एरिया में सक्रिय हैं। अमन सिंह ने जिस तरह धनबाद की जेल में रहते हुए अपना नेटवर्क फैलाया है वैसा कभी किसी ने नहीं किया है। ये खुलासे धनबाद पुलिस के हत्थे चढ़े अमन गैंग के शूटर वैभव ने अपने बयान में स्वीकार किए हैं। उसने बताया है कि गाजीपुर के माफिया मुख्तार अंसारी का शूटर छोटू सिंह भी अमन गैंग से जुड़ा हुआ है। अमन को हथियार उपलब्ध करवाने में आजमगढ़ का एक गैंगस्टर अखंड प्रताप सिंह समेत कई अपराधी शामिल हैं। हथियारों के सप्लायर में आजमगढ़ का बलराम यादव, अयोध्या का सलीम, अमन का भाई अमर भी शामिल है। खागीठी जेल के अधीक्षक नागेंद्र सिंह पर आरोप लगा था कि उनके खाते में अमन गैंग के शूटर वैभव की ओर से 50,000 रुपए जमा किए थे। इस आरोप पर जवाब देते हुए उन्होंने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि अमन सिंह को हजारीबाग से 20 मई को खागीढ़ी जेल में शिफ्ट किया गया था, तभी से उसे 8 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और सर्विलांस में रखा गया है। उसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है और किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। सेल नंबर 3 में बंद अमन पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। इस सख्ती की वजह से ही उसके गुर्गे दबाव बनाने के लिए अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। रुपया मांगने के आरोप को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। गौरतलब है कि धनबाद पुलिस के हत्थे चढ़े यूपी के शातिर वैभव यादव उर्फ राहुल ने जेल अधीक्षक पर आरोप लगाए थे कि उसने 50,000 रुपए जेल अधीक्षक के कहने पर उसके खाते में जमा करवाए थे। तो यहाँ पर बड़े खुलासे जो हैं वो अमन सिंह गिरोह के बारे में करता हुआ नजर आया है। ये शूटर और कुल 59 गुर्गे धनबाद में सक्रिय हैं और मुख्तार अंसारी के गैंग का शूटर भी इसमें शामिल है। तो फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।